ईश्वर ही है और है कौन। मैं विशेष हूँ, ये भाव आने लगता है। मैं विशेष हूँ, VIP, वी और पी के बीच में जो आय है, के बन जाता है, VKP बन जाता है और फिर अहंकार का जन्म होता है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे उत्तरदायी खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। जब आप दोषी नहीं जिम्मेदार बनते हो, उत्तरदायी बनते हो, तब आप सवाल नहीं जवाब बनते हो, तब आप दूसरों के कल्याण यानी दूसरों के हित में सोचते हो, कुछ करते हो। कम से कम दुआ, किरणें, मंगल भावनाएं, शुभ्र प्रकाश, स्वास्थ्य ऊर्जा प्रसारित करते हो। दुआ, किरणें, मंगल भावनाएं आपके द्वारा प्रसारित होती हैं। इन भावनाओं की ऊर्जा को छोटा मत समझो। पूरे दिलो जान से रोज प्रार्थना करो, जैसे इस वक्त आप तैयार हो। क्या आप तैयार हो? हाँ, आप तैयार हो। खोल रहा हूं, मैं अपने मन को खोल रहा हूं ताकि विश्व कल्याण की भावना मेरे अंदर बढ़े और बढ़े। मेरी प्रार्थना का केवल और केवल सकारात्मक असर सब पर हो, केवल अच्छा असर हो। मैं अपने मन को खोल रहा हूं ताकि सच्चे ज्ञान की प्यास मुझ में बढ़े और बढ़े। मेरे ज्ञान प्राप्ति से सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेज मंगल हो, मंगल हो। हे परमात्मा, मैं अपने मन को खोल रहा हूं, मैं अपने मन को खोल ताकि मेरी हर सांस के साथ मुझ में जागृति बढ़े। मेरी जागृति से हर जीव का भला हो। मुझे मदद करो, मदद करो। मैं अपने मन को खोल रहा हूं,
खोल रहा हूँ ताकि सत्य श्रवण से मेरी उलझन दूर हो जाए, मेरी सुलझन से सबके विकास में लाभ हो, मेरी उलझन दूर हो, सबका विकास हो, सबका विकास हो। हे परमात्मा, मैं स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वयं को मानसिक दुविधा से बाहर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ और सत्य दिखाई दे रहा है, सत्य की रोशनी में सारे विकार और अज्ञान विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। मेरी इस मुक्ति का लाभ सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हे ईश्वर, मैं स्वयं को डरों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। डर इंसान को सत्य के प्रति अंधा बना देता है, लेकिन मेरे सारे डर समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। सत्य की आंखें खुल रही हैं, खुल रही हैं। मुझे सब कुछ शुद्ध और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, शुद्धता, निर्मलता और साहस का फायदा सबको हो रहा है, सबको हो रहा है। सभी को अपने डरों से मुक्त होने में बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। सब प्रेम, आनंद, साहस, संतुष्टि, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मौन बढ़ रहा है, प्रेम, आनंद, मौन। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। बात तब की है जब बकरियां मैं नहीं करती थी, तब उनके मुंह से तय तय निकलता था और वे बड़े खुश थे। महा आसमानी शिविर की आवश्यकता नहीं थी। और ऐसा हुआ कि एक बच्चा पैदा हुआ और वह बड़ा कमज़ोर था।
कमज़ोर था तो आप जानते हैं कि कमज़ोर बच्चे का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है, तो उसको सब घर बैठे मिलता है, दूध मिलता है, घास मिलती है और वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब उस बच्चे के अंदर बाकी बच्चों से अलग एक विचार पैदा होता है और आप जानते हैं कि एक विचार इंसान को दुखों में डाल सकता है और एक विचार दुखों से मुक्त कर सकता है। विचार किस समझ से आता है, क्या देखकर आता है, क्या श्रवण करके आता है, क्या मानकर, किस मान्यता से आता है, क्या जानकर, किस अनुभव से आता है। जैसी आपकी अवस्था होगी वैसे विचार आपको आएंगे और यदि आनंद नहीं मना पा रहे तो उसका अर्थ विचार को जैसे देखना चाहिए था वैसे देखा ही नहीं। आसमान में हवाई ऊपर जाती है आपने दिवाली में देखी है तो आप उसे कैसे देखते हैं, आकाश में विलीन होते हुए देखते हैं बिना आइडेंटिफिकेशन, बिना चिपकाव, बिना लगाव, तो आपको आनंद आता है। जब चिपकाव हो जाता है तो हाथ जल जाते हैं। हाथ जल जाने के बाद कोई कहे मुझे ऐसे विचार क्यों आते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, तब उसे क्या बताया जाएगा। तब उसे बताया जाएगा कि तुम्हें दिवाली मनाना आया नहीं। हवाइयाँ कैसे आकाश में उड़ती हैं हम जैसे बचपन में देखते आए, आनंद देते आए, बड़े होकर हम वह भूल गए। फिर से त्यौहार आता है, याद दिलाता है कि तुम्हें कैसे जीना है, कैसे दिवाली मनानी है, ऐसे मनानी है कि फिर हर दिन आपके लिए दिवाली बन जाए। हर मैं का विचार आकाश में उड़ते हुए देख पाएं, मैं का विचार उस बच्चे के अंदर आना शुरू हुआ, बकरी के उस बच्चे के अंदर जो कमज़ोर था, अब सभी उसका ख्याल रखते हैं तो उसे क्या भ्रम होने लगता है। देखो भ्रम कैसे तैयार होता है ये भी आपको समझ में आएगा। हमारे अंदर जो भी भ्रम मान्यताएं पैदा हुई वो क्यों हुई, उस बच्चे के मन में विचार आने लगा कि वह कुछ विशेष है इसलिए लोग इतना ख्याल रख रहे हैं। बच्चों को उस वक्त पता नहीं कि वे किस अहंकार का निर्माण कर रहे हैं जो आगे दुख का कारण बनेगा। बच्चा बच्चा है, वो सोच नहीं पाएगा, मनन नहीं कर पाएगा, लेकिन आप कर सकते हो। तो बच्चा है उसके अंदर अहंकार तैयार होता है, वो बकरी का बच्चा बड़ा होता है तो मैं विशेष हूँ ये भाव आने लगता है, मैं विशेष हूँ। वी आई पी, वी और पी के बीच में जो आई है के बन जाता है, वी के पी बन जाता है और फिर अहंकार का जन्म होता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।